नमस्ते। इंडिया और अमेरिका से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और गुजराती की खबरों के एकमात्र पोर्टल indiantimesdaily.com पर आपका स्वागत है। इसमें आपको स्थापित व्यवसायों और साधनों की जानकारी भी मिलेगी। मैं हूं अनुपमा सिंह और आज की मुख्य खबरें हैं। भारत में लाखों लोगों ने जुड़कर भारत की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर होप हिक्स इस्तीफा देने जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इमिग्रेंट्स के समय समय पर सुनवाई के अधिकार को घटा दिया है। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम भारत और अमेरिका की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार है। लाखों लोगों ने फिल्म स्टार और मशहूर हस्तियों से जुड़कर भारत की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी। दुखी प्रशंसकों के समक्ष उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में किया गया। 54 वर्षीय अभिनेत्री श्रीदेवी का शनिवार को कथित दुबई के होटल के एक बाथ टब में डूब जाने से निधन हो गया था। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार आर्थिक गतिविधि बढ़ने की वजह से दिसंबर क्वार्टर में भारत की जीडीपी 7.2% बढ़ी। दूसरे क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% और पहले में 5.7% बढ़ी थी। सीबीआई ने पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है। 2007 में एफआईपीबी की मंजूरी पाने में मदद के लिए कार्ति ने कथित तौर पर मुंबई के आईएनएक्स मीडिया से 3.5 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश कहा, जबकि सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। 12,600 करोड़ रुपए के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके अंकल गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब तक 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक विधानसभा उपचुनाव में कोलारस और मुंगावली में अपनी जीत बरकरार रखी। 24 फरवरी को हुए चुनाव में मुंगावली के कुल 22 और कोलारस से 13 कैंडिडेट मैदान में थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हायर एजुकेशन सत्यपाल सिंह ने आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पर सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पहले कहा था कि लॉज ऑफ मोशन प्राचीन भारत द्वारा आइजैक न्यूटन से बहुत पहले कोडिफाई किया गया था। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हिंद एवं मोर्चा सेकुलर के साथ औपचारिक रूप से ग्रैंड अलायंस में शामिल हो गए हैं। उससे कुछ घंटे पहले उन्होंने बीजेपी एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा की थी। उन्होंने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की प्रशंसा भी की, जो इस वक्त चारा घोटाले मामले में रांची की एक जेल में बंद है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल के एक्विजिशन के लगभग 9,435 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये सैनिकों की लड़ने की क्षमता को और मजबूत करेगा। शंकरा मठ को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाले जयेंद्र सरस्वती का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। तमिलनाडु और देश के कई राजनीतिक नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। फिल्म के को प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा का कहना है कि अनुष्का शर्मा की फिल्म परी भारत की आम हॉरर फिल्मों की तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि दर्शकों ने अनुष्का का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा। indiantimesdaily.com में आपका फिर से स्वागत है और अमेरिका की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार है। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर होप हिक्स इस्तीफा देने जा रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अपना पद छोड़ने वाली होप चौथी डायरेक्टर है। खबर है कि उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि उन्हें लगता है व्हाइट हाउस में उन्होंने जो भी करना था वह कर चुकी हैं। डिटेंशन सेंटर से बॉन्ड द्वारा संभावित रिहाई तय करने के लिए इमिग्रेंट्स को समय समय पर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने माइग्रेशन पॉलिसी पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पकड़ को और मजबूती दी है और विदेशियों को बिना किसी समय सीमा के डिटेंशन सेंटर्स में रखने की और आजादी मिल गई है। यूएस प्रशासन ने प्रेसिडेंट के लिए एयरफोर्स वन के 2 नए विमानों के लिए बोइंग के साथ 3.9 अरब डॉलर्स का समझौता किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट से करदाताओं के 1.4 अरब डॉलर से अधिक बचेंगे। एक मैक्सिकन अमेरिकन जज ने यूएस मैक्सिको सीमा पर प्रेसिडेंट द्वारा प्रस्तावित दीवार को रोकने के लिए दायर मुकदमे में ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया है। जज गोंजालो क्यूरियल के मैक्सिमम मूल के होने को लेकर अतीत में ट्रंप ने उनकी आलोचना की थी।
वर्जीनिया के एक यूएस मिलिट्री बेस में अज्ञात पदार्थ युक्त एक संदिग्ध लिफाफे खोलने के बाद 11 लोग बीमार हो गए। प्रभावित लोगों में से 3 को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लागू करने वाला पहला प्रमुख अमेरिकी हवाई अड्डा बन गया है। विदेश से आने वाले यात्रियों के पासपोर्ट की जांच में लगने वाले समय को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने अमेरिका और यूएई के बीच दोस्ती और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। क्राउन प्रिंस ने उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद भी किया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कानून लागू करने वाले अधिकारियों को उग्रवादी गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि देश में अपराध की संख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ गुटों ने कथित रूप से जातीय और धार्मिक इनटॉलरेंस को उकसाया है, गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया और सोशल नेटवर्क के माध्यम से युवाओं को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया है। जिन बुजुर्ग लोगों में सुनने की शक्ति में कमी होती है, उनमें भूलने की और सोचने समझने की शक्ति में भी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहा जाता है। बढ़ती उम्र में कम सुनने वाले लोगों के एक अध्ययन में ये पाया गया। लो अर्थ ऑर्बिट में 5.5 महीने तक अध्ययन और स्पेस वॉक के बाद 3 अंतरिक्ष यात्री कजाकिस्तान में सुरक्षित उतर गए। 8 घंटे और 13 मिनट का ये स्पेस वॉक रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में सबसे लंबा स्पेस वॉक है। इसी के साथ हमारा न्यूज बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फॉर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी अमेरिकन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे। Of all that is said about Sridevi's relationship with stepson Arjun Kapoor, the latter was seen standing by his family, supporting his father Boni Kapoor and his daughters Janvi and Khushi Kapoor at this hour of grief. As soon as the news of Sridevi's death struck the nation, Arjun halted the shooting of his forthcoming film Namaste England and flew to Dubai to be with his father. While sister Anshula stayed put with her stepsisters Janvi and Khushi at uncle Anil Kapoor's house. Soon after the arrival of Sridevi's mortal remains in Mumbai, Arjun has been the constant support to his entire family. Many Bollywood biggies including Salman Khan, Shah Rukh Khan visited the family to pay their homage. Sridevi's mortal remains arrived in Mumbai on Tuesday night, around 72 hours after her sudden and shocking demise in Dubai. Her funeral is scheduled for Wednesday afternoon. Actress Yami Gautam says her next film Batti Gul Meter Chalu is entertaining and has a lot of substance. Batti Gul Meter Chalu is a social drama on the electricity issue faced by people in the country, especially in small towns, Yami told IANS. She added, and given the kind of films that producer Prerna Arora has been doing and what Shri Narayan Singh has done with Toilet Ek Prem Katha, you can expect a very fine amalgamation of entertainment and a relevant social issue which has been talked about for the very first time. The actress is excited to play a lawyer for the first time. I am extremely happy to be working with the team. I play a lawyer in a film for the first time, so I am very happy, she said. The film also features actors Shahid Kapoor and Shraddha Kapoor.